الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء المقتدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आपके दर्ज दरूद ने मुझे ये खबर दी है कि आप बहुत थके हुए लोग और जिस तरह आदमी सारी जिंदगी गुजार के आखिर में बुढ़ापे में थक जाता है, इस तरह जलसे की शुरुआत से इसके इख्तितामी मोड़ पर आते हुए आपके अंदर हुई बुढ़ापे के आसार दरूद पढ़ते हुए महसूस हुए। तकरीबन मैंने हर आलम को दुरूद शरीफ की आयत पढ़ने के बाद यही गिला करते देखा है, ना तुसा अपनी आदत छोड़ी ते ना असा अपनी छोड़ी। इसलिए याद रखो, इतनी तकरीरें आप सुनते हैं न जाने कैसे कैसे बयानात होते हैं, लेकिन ये ना बोलो कि मेरी जबानी जमा खर्च से नबी पाक की मोहब्बत साबित नहीं होती। आशिक वो होता है कि जब उसके महबूब का नाम लिया जाए, रूह के अंदर एक अजब हलचल मच जाती है। नबी पाक का नाम जब भी लिया जाए, इन्हीं किसी गुफ्तगू के दौरान लिया जाए, तो हमें हुक्म क्या है? दूषी पढ़ना है, दूषी पढ़ने का हुक्म है। बखील की तारीफ में एक ये भी तारीफ है कि बखील वो होता है, बखील सिर्फ वो नहीं होता जो अपनी जेब के ऊपर 5 ताले लगाए माल खर्च ना करे, बखील वो भी होता है कि सरकार मदीना का नाम आए तो ये उसी तरह चुप बैठा रहे, ये इन बखील है। और ये बुखल उस दूसरे बुखल से ज्यादा बेकार है। क्योंकि इस चीज का ताल्लुक हुजूर की जात के साथ है। तो आम कलाम में जब नबी पाक का नाम लिया जाए तो आशिकों के लिए हुक्म है कि दुरूद पढ़ो, तो वो नाम लेने वाला आम इंसान होता है। तो मैंने जब भी पढ़ा है ये आम इंसान का कलाम, ये रहमान का कलाम वो कहता है इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी। इस नबी से कौन मुराद है? अभी भी नहीं बोलेंगे इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी। यहाँ नबी से कौन मुराद है? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी जात मुराद है। तो अल्लाह ने आपका नाम लिया, आपकी एक शान का जिक्र फरमाया कि नबी, तो फिर ईमान वालों को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम, सल्लू अलैहि वसल्लम, उन पर सलात भी पढ़ो, उन पर सलाम भी पढ़ो।
सलाम भी पढ़ो, सलात भी पढ़ो। किस पर? नबी पर। क्यों पढ़े? इसलिए, दलील क्या है? अल्लाह कहता है मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़े। अल्लाह भी पढ़े, फरिश्ते भी पढ़े, अगर सुन्नी ना पढ़े। और यही दावा करता है कि हम आशिक हैं। किस किस्म के आशिक हो तुम? और वो इश्क की कौन सी तारीफ निकल आई है नहीं, जिसमें ये हरकतें साबित है। याद रखो, हमारी पहचान ही हुब्बे मुस्तफा है। हमारी तारीफ यही है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जान से जिस तरह मोहब्बत करते हैं, आपके नाम से भी वैसी मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब आपका नाम नामी इसमें गिरामी लिया जाए, तो फिर बुखल से नहीं, फिर दिखाया करो कि तुम ही प्यार वाले हो, तुम ही वो ईमान वाले हो जिनसे खुदा खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल लजीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। पढ़ो अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका असहाबिका या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ये साइड खामोश है, मैं देख रहा हूँ आपको। पढ़ो अब मैं एक बात करता हूं, वो जो शुरू में आपने काम किया था उसके अंदर कोई लुत्फ था या अब कुछ करार आया? फर्क साफ जाहिर है ना? तो जिस तरह से आपके दुरूद पढ़ने के अंदर फर्क साफ जाहिर नजर आता है, इसी तरह अकीदे वाले, प्यार वाले, मोहब्बत वाले उनसे मुमताज नजर आते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद को बिदत और नाजायज समझते हैं। उनके और हमारे दरमियान फर्क ये है कि वो फतवे वाले हैं और हम मीलाद वाले हैं, और हम अपनी इस पहचान पे फख्र करते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे इस मशर के खतीब अल्लामा साहब, जिनकी नस्बत गोरा शरीफ के अजीम ख़ानदान के साथ है और रूहानी नस्बत है। और इसके अलावा जय्यद उलमाए किराम मेरे दाएं जानेब बाएं जानेब, सब सुन्नियत की बहार और अहले सुन्नत के अकायद के प्रचार करने वाले साहिबान इल्म फजल और साहिबान तरीकत और साहिबान नस्बत लोग मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं। इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह मेरी पुश्त बनाई का बंदोबस्त हो चुका है। वक्त मुख्तसर है दोस्तों, मैंने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, सूरह इंशराह की पहली आयत है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक का माना है क्या हमने आपके लिए आपका सीना कुशादा नहीं किया? को गल समझ आई कि नहीं? अल्लाह ने एक सवाल किया, क्योंकि शुरू में जो कलाम जो इब्तदा हो रही है वो हमजा से हो रही है, और यहां जो हमजा आया ये हमजा इस्तेफाम का है। कलाम शुरू हो रहा है सवाल से, अल्लाह अपने महबूब से सवाल कर रहा है, अलम नशरह लका सदरक, हे महबूब क्या हमने, क्या क्या, तो क्या आता है सवाल करने के लिए, क्या हमने आपके लिए आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया? अल्लाह सवाल फरमा रहे अपने महबूब से,
और याद रखो सवाल के बहुत सारी किस्में होती हैं। यहां पर जो सवाल हो रहा है फन के एतबार से इस सवाल को इस्तेफहाम तकरीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकरीरी। इस सवाल को कहते हैं इस्तेफहाम तकरीरी, और ये उस वक्त किया जाता है, ये सवाल उस वक्त किया जाता है जब पूछने वाले से जवाब नहीं मांगा जाता, पूछने वाले को सिर्फ एक बात याद दिलाई जाती है, क्योंकि उसका जवाब सवाल के अंदर ही होता है। इसकी मिसाल यह है कि जैसे अभी मैं तकरीर करके यहां से चला जाऊंगा ना, फिर अगर किसी जगह बैठू जाके, वहां आप में से कुछ वो लोग हों जिन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी हो, उनसे मैं कहूं क्या मैंने आज तकरीर नहीं की, इस सवाल का मतलब क्या है? आप इस बात को जानते और मानते हैं कि मैंने तकरीर की थी, और आप किसी को अपने घर में मधु करें, खाना खिलाएं, और उसके बाद कहें क्या मैंने आपको खाना नहीं खिला दिया। इसको बोलते हैं इस्तेफहाम तकरीरी, कि जिसमें माना जवाब का मुस्बत होता है, वो क्या? हां। क्या होता है? हाँ। और इसमें मुखातब से जवाब मांगा नहीं जाता, बल्कि जवाब खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो जब जैसे आप कहते हैं ना खाना नहीं खिला दिया, तो उसका जवाब हाँ होता है, मैंने आपको गुफ्तगू नहीं सुनाई, तो जवाब हाँ होता है, मैंने आपके सामने नात नहीं पढ़ी, तो जवाब हाँ होता है। ऐसे ही रब अपने महबूब से फरमाते हैं क्या मैंने आपका सीना खोल नहीं दिया। क्या मैंने आपका सीना आपके लिए खोल नहीं दिया? इस नहीं कर सकते। देखो हर आदमी का सीना है ना, यहां पर आप सब लोग साहेब सदर हैं कि नहीं? सदर कहते हैं सीने को, आप सब लोग साहेबान सदर हैं, आप सबके सीने मौजूद हैं, लेकिन हर एक के सीने की कैफियत दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या हम एक दूसरे के सीने के हवाल जानते हैं कि उसमें क्या ख्याल तैयार हो रहे हैं, वो अंदर क्या ख्याल सोच रहा है, क्या बात करना चाहता है? हम एक दूसरे की खबर नहीं रखते, इसलिए लोगों को नहीं कहा कि मैंने अपने महबूब का सीना खोल दिया है। रब ने उसको कहा जिसका सीना खुल गया, जिससे कह रहा है वो सुन भी रहा है, महसूस भी कर रहा है। क्या हमने आपका सीना आपके लिए खोल नहीं दिया? और फिर यहां पर जिस तरह हमारे अहले इल्म फरमाते हैं कि आगे जिक्र होता है वरफाना लका जिक्र, आगे जाके जिक्र आता है कि आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया, आपकी रजा के लिए आपका जिक्र बुलंद किया। तो यहां पर भी वो माना होगा कि आपकी खातिर और आपकी रजा और आपकी खुशनूदी और आपकी सहूलत के लिए आपका सीना कुछ अंदर कर दिया। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के सीने को कुशादा किया, और ये कुशादगी शरा कहते हैं खोलने को, अरबी जबान में शरा कैसे कहते हैं? और आपने सुना होगा शरा बुखारी, शरा मुस्लिम, शरा अबू दाऊद, इसका माना क्या होता है कि असल जो किताब है ना उसका जो मतन है, उस मतन के जो मानी मफाहीम और उसके अंदर जो मुख्तलिफ नुकता हाय दानिश हैं, और उसके अंदर जो इल्म फजल और कमालात की बातें हैं जो आम आदमी उसको नहीं मालूम कर सकता, अहले इल्म उन बातों को खोल देते हैं, इसलिए उसको शरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शरा कहते हैं। तो फरमाया अलम नशरह, क्या हमने खोल नहीं दिया लका आपके लिए, आपकी रजा के लिए, आपकी खातिर सदरक आपका सीना। ये अल्लाह ने क्यों खोला, नबी पाक का सीना क्यों कुशादा किया गया? जिस तरह अल्लामा अतीकुर रहमान साहब मुतज़ज़िदुल आली फरमा रहे थे
कि नूर दो किस्म का होता है, एक नूर हिस्सी होता है, एक नूर मन भी होता है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि नबी पाक को नूर हिस्सी भी दिया गया, नूर मन भी दिया गया, बोलते नहीं आप, नबी पाक को नूर हिस्सी भी दिया। नूर हिस्सी क्या होता है? वो कि नूर हिस्सी वो होता है जो फील किया जा सके, वो जो कि फील किया जा सके, ऐसा नूर कि जो सेंसेस के अंदर लाई करे, वहां पर मौजूद हो, आपको महसूस हो, ये नूर हिस्सी है। और नूर मन भी वो होता है जो सेंसेस से आदमी उसको मालूम नहीं कर सकता, उसको महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ताल्लुक माना के साथ होता है। और मन भी नूर की मिसाल यही है कि हुजूर आए तो कुफर का अंधेरा छट गया, और हिस्सी नूर की मिसाल यह है कि हुजूर अंधेरे में तशरीफ लाते तो आपके चेहरे से तारीख कमरा रोशन हो जाता था। यह है हिस्सी। और पहला वाला है मानवी, जिस तरह नबी पाक का नूर होना भी मानवी एतबार से मुतहक्कक है और हकीकी एतबार से भी मुतहक्कक है, इसी तरीके से नबी पाक के सीने का खोलना यह भी दो एतबार से है, एक हकीकी तौर पर और एक मानवी तौर पर। जिस तरह नबी का नूर हकीकी भी है और नूर मानवी भी है, ऐसे शरह सदर मुस्तफा हकीकी भी है मानवी भी है। जैसे नूर आंखों से देखा गया, इसी तरह शरह सदर भी आंखों से देखा गया। जैसे नूर से तारीख रात दिन में तब्दील हो गई, ऐसे इंशराह सदर की उसके अज़ियात से उलूम के खजाने मुस्तफा के सीने अथर में दाखिल किए गए। जिस तरह नूर मानवी और हकीकी है, शरह सदर मुस्तफा भी मानवी भी है, हकीकी भी है। मानवी का माना यह है, मसलन पाजी कहे कि आपका सीना बहुत, कहते ना ये जवानों का सीना है, ये मानवी तौर पर है। जवान का सीना कोई कोई लोहे का बना होता है, वही ये भी वही सीना है जो बाबिया का सीना है, ये कोई मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन माने के एतबार से उसको जवानी के साथ मंसूब कर देते हैं। मानवी एतबार से नबी पाक के सीने में कितनी कुशादगी है आगे चल के बात करेंगे। हकीकी सीने का कुशादा होना ये कब होगा? जब वाकयतन नबी पाक के सीने को बाकायदा खोला जाए, यानी इन रियलिटी उसको बाकायदा खोला जाए और डायसेक्शन की जाए और बाकायदा सीने को काटा जाए, चार्ट किया जाए, तो ये सीने का खोलना होगा, ये हो गया हकीकी। हकीकी वो होता है जो नजर आ जाए। हकीकी क्या होता है? जो नजर आ जाए। और नबी पाक का शरह सदर हकीकी भी हुआ, और ये कब हुआ पहली मरतबा? उस वक्त जब नबी पाक दाई हलीमा की बकरियां चरा रहे थे। और रिवायात मुख्तलिफ है, कोई पांच साल छह साल कहता है, कोई दस साल कहता है, ये जो हमारे सीरत निगाह हैं इख्तिलाफ है, रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ उम्र लिखी है। लेकिन एक रिवायत यह है कि सुबह का नाश्ता साथ नहीं लाए थे, तो अपने रजाई भाई से कहा जाओ तुम घर जाओ, जाके नाश्ता ले आओ, खुद बकरियों के साथ रहे, तो जिब्रील और मीकाईल आए। सुनते हो कि नहीं? जिब्रील और मीकाईल आए, आए नबी पाक को लिटाया, लिटा के हुजूर का शिकम मुबारक, आपका सीना मुबारक चाक किया, और सोने के तश्त हाथ में थे और जमजम का पानी था, और उस पानी से पेट मुबारक को अंदर से धोया गया, धोने के बाद कलबे मुबारक को बाहर निकाला गया, फिर उसको भी चीरा गया। सीने मुस्तफा से कलबे मुस्तफा को निकाला गया, उसको भी चीरा गया, उसमें से कोई एक दो अज्जा निकाल के दूर किए गए, फिर हुक्म हुआ इसको वापस उसी तरह सी दिया जाए, फिर उसको सी दिया गया, फिर अपनी जगह पर रख दिया गया, फिर सीने और पेट को भी वापस सी दिया गया। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बिला दमम वला वजइन, ना तो खून निकला ना मुस्तफा।
मुस्तफा का दर्द हुआ है। तो ये हकीकी है ना, हकीकी है ना कि बाकायदा हकीकी इसलिए है कि ये देखा जा सकता था और बाकायदा फरिश्तों ने ये काम किया और छुरी के साथ ये काम किया गया, तो ये हकीकी है और मानवीय एतबार से भी है। अब मैं एक दो बातें आपसे पूछता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक्दस, इसको चीरा गया, इसको काटा गया, खून नहीं निकला, खून नहीं निकला, दर्द नहीं हुआ। और आम तौर पर जब बाईपास का ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि आजकल तो हर गली में एक ना एक ऐसा पेशेंट तो होता है, ठीक है, मेरी ये बात है ना, इसको भी बाईपास न कर रहा, और से सुनो इसको। देखो, जब उसका बाईपास किया जाता है तो फिर उसको ठीक ठाक बेहोश किया जाता है या थोड़ा सा उसको कोकोडामोल देके सुलाती है, हैं जी, उसको बिल्कुल बेहोश किया जाता है। क्यों? कि खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा। और बेहोश किस लिए किया जाता है? खून निकलने की वजह से नहीं, दर्द की वजह से, दर्द की वजह से बेहोश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर, इसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि ये दर्द की कैफियत को बर्दाश्त कर सके। और इंसानी जिस्म का यह खासा है कि जब इसको कट लगता है या इसकी हड्डी टूटती है या इसको जर्द लगती है तो वहां पर दर्द की कैफियत उठती है और वहां नर्व्स के जरिए दिमाग में एक मैसेज जाता है कि यहां पर इस वक्त दर्द हो रहा है। और दर्द, ये मैसेज इतना क्विक ट्रांसफर होता है उस दर्द वाली जगह से दिमाग में कि इधर पत्थर लगता है उधर दर्द शुरू हो जाता है। और इसी दिमाग की कैफियत को सुला देने का नाम जनरल एनेस्थेटिक है, जिसमें आपको बिल्कुल सुला दिया जाता है और दर्द अपनी जगह होता है लेकिन दिमाग को महसूस नहीं होता। दर्द फिर भी होता है, दिमाग जो दर्द की कैफियत को महसूस करता है वो सुला दिया जाता है। पता चला ये थोड़ी देर के लिए दर्द, इससे मौकूफ किया गया, दर्द अपनी जगह पर है और खून भी बहा है। तो अल्लाह ताला ने गोया शरह सदरे मुस्तफा की हकीकी सूरत जमीन पे दिखाकर सारी कायनात को बता दिया कि जहान में ऐसा कभी नहीं देखा होगा, तुम जरूर ऐसे वक्त से गुजरोगे, तुम्हारे पेट काटे जाएंगे, तुम्हारे सीने चीरे जाएंगे, तुम्हारे जिस्म को काट कर इलाज किया जाएगा, खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा, लेकिन मुस्तफा करीम को ना बेहोश किया गया और ना आपको डराया गया, ना आप डरने वाले, उम्र भी बहुत छोटी है, खून नहीं निकलता, दर्द नहीं होता। पता चला ना मुस्तफा जैसा किसी का जिस्म है, ना मुस्तफा जैसा किसी का दिमाग है, ना मुस्तफा जैसा किसी का खून है, ना नबी जैसा किसी की शान है, ना नबी जैसा किसी का दिल है कि दिल बाहर निकले अपनी आंखों से देखें कि मेरा दिल चीर रहे हैं और दर्द ना हो फिर दिल अपनी जगह पर रख दिया जाए। पता चला सारी कायनात में ये एक ही जात है, सारे शर्क व गर्ब व शिमाल व जुनूब अर्श व फर्श में ये एक ही जात है जिसके लिए ये कानून फितरत तब्दील हो गया, ना खून निकलेगा, ना दर्द होगा, दिल बाहर आएगा तब भी मुस्तफा तुम जिंदा रहोगे, दिल अंदर रहा तब भी जिंदा रहोगे, और न तुम्हें दर्द होने वाला, न तुम्हें शिकायत होने वाली, न तुम्हें बेहोश किया जाएगा। पता चला होश, तुम्हारा होश नबी के होश से मुख्तलिफ, तुम्हारा दिमाग नबी के दिमाग से मुख्तलिफ, तुम्हारा सीना नबी के सीने से मुख्तलिफ, तुम्हारा दिल नबी के दिल से मुख्तलिफ है। पता चला न तुम जाहिरी के एतबार से नबी की तरह हो, न बातनी एतबार से नबी की तरह हो। सारी कायनात में एक मोहम्मद है जिनके लिए खुदा ने अलग कानून नाफिज फरमाया। Allah Allah Allah
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये हकीकी इंशराए सदर हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर हुजूर के दिल मुबारक को धोया गया तो उस पर कौन सी मैल लगी थी कि उसे जमजम के पानी से धोया गया। देखो बात यह है, हम जब छोटे थे तो उलमा की तकरीरें सुनते थे, वो एक बात बड़ी आम फरमाया करते थे उलमा कि शहद की मक्खी भी मक्खी है और आम मक्खी भी एक मक्खी है, लेकिन शहद की मक्खी ढूंढती है उन फूलों को जिसमें रस होता है और एक दूसरी मक्खी होती है जो हमेशा गलाजत पर ही नजर आती है। तो है ये दोनों मक्खियां हैं, लेकिन एक का काम है गलाजत तलाश करना और एक का काम है रंगत निखत और नूर को तलाश करना। हैं दोनों मक्खियां, लेकिन एक का काम है गलाजत पे जाके बैठना और वो गलाजत ही इकट्ठी करती है। इस बड़े बड़े फूलों से गुजरती है, बड़े बड़े चश्मों से गुजरती है, बड़े बड़े बागात से गुजरती है, लेकिन वो उसे नजर नहीं आते। जैसे ही गंदगी नजर आती है फौरन जाके वहां बैठ जाती है। यही सुन्नी और गैर सुन्नी में फर्क है। ये नबी के सिर्फ शान तलाश करता है, वो रक्त तलाश करते हैं। सुन्नी हमेशा नबी की शान तलाश करता है, बोलते नहीं आप लोग? ये जो भी कुरान की आयत पढ़े तो तलाश करता है इसमें नबी की को फजीलत है कि नहीं। हदीस पढ़े तो नबी की फजीलत तलाश करता है, वो भी तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हैं? क्योंकि हम देखें नबी का इल्म का नक्श कैसे नजर आ जाए, नबी के जिस्म का नक्श कैसे नजर आ जाए, नबी की आल का नक्श नजर आ जाए, अस्हाब का नक्श नजर आ जाए, शरीयत का नक्श नजर आ जाए। तो मैं कहता हूं वहां तो नक्श नहीं, नक्श तेरे अंदर है। हम कमाल तलाश करते हैं, क्यों? हम बा कमाल है इसलिए कमाल तलाश करते हैं। हम बाकमाल हैं इसलिए कमाल पर नजर रखते हैं। तुम साहिबान नक्श हो इसलिए नक्श पे निगाह रखते हो। हमें तो वहां सिर्फ कमाल ही कमाल नजर आता है और तुम्हें नक्श नजर आता है? नक्श करते हैं तलाश कुछ लोग रसूल मेरा अपना कलाम है। नक्श करते हैं तलाश कुछ लोग रसूलुल्लाह में, इस जुस्तजू में, इस जुस्तजू में उनके उलझे हुए और हम हैं मसरूफ सना, उनके फिरे हैं दिल, हमारे दिन फिर गए हैं। दिल का फिरने वाले और हैं, दिन के फिरने वाले और हैं। वो ऐसे के दिल फिरे नूर तारीख नजर आए, दिल फिरा तो बशर नूर होकर बशर नजर आया, और उनका दिल फिरा तो बाकमाल बेकमाल नजर आया। दिल फिरा तो वो जो सारी अजमतों का मालिक है उसमें नक्श तलाश करने लगे, और हमारे दिल फिरे हमें मुस्तफा के चेहरे में कमाल नजर आया, हमारे उनके उज़ुन हाय मुबारका में कमाल नजर आया, उनकी ज़बान में कमाल नजर आया, उनकी निगाह में कमाल नजर आया, उनके लिबास में कमाल नजर आया, उनके कल्ब में कमाल नजर आया, उनके कालिब में कमाल नजर आया, उनके ज़ाहिर में कमाल नजर आया, उनके बातिन में कमाल नजर आया, उनके इमामे में कमाल नजर आया, बल्कि उनके नाले कमाल नजर आया। तकबीर अल्लाह।
तो क्या फरमाया, नक्श करते हैं तलाश, कुछ लोग रसूल अल्लाह में इस जुस्तजू में उनके सिर फिर गए हैं, और जिनके सिर फिरे उनके दिल फिरे, और असादे दिन फिर गए। और दिन फिरने का माना यह होता है कि अब पुरानी तारीकियां गई, अब हर वक्त नूर ही नूर है, अब गुमराहियां गई, अब सिर्फ हिदायत ही हिदायत है, अब वो पुराने झगड़े गए, अब सिर्फ प्यार मोहब्बत है, अब वो पुरानी तारीकियां दूर हो गई, अब नूर मोहब्बत हर सू फैला हुआ नजर आ रहा है। मालूम हुआ कि वो कहते हैं कल धोया गया उसमें क्या मैल थी, जमजम से धोया गया। मैं कहता हूं धोने का काम सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसमें मैल होती है। मुझे बताओ, तुम जब वजू करते हो तुम्हारे जिस्म पर लाजमन की गलाजत होती है? बोलो बोलो ना भाई, पीछे वाले के लिए बोलते हैं, आपके लिए वो अलग से कानून आएगा, बोलो ना भाई। जब आप वजू करते हो तो लाजमन इसलिए करते हो कि वहां निजासत लगी होती है, कोई को फिल्दी मटेरियल लगा होता है, कुछ ऐसी कोई बात होती है? नहीं। तो जरूरी नहीं कि जब भी धोने का अमल हो तो वहां मैल ही हो। आशिकों ने इसका जवाब यूं दिया, आशिकों ने इसका जवाब यूं दिया कि कल्ब मुस्तफा को धोया इसलिए गया जमजम से कि पहले जमजम की निस्बत सिर्फ हजरत इस्माइल से थी, अब इसकी निस्बत कल्ब मुस्तफा से भी हो गई। अब ये जमजम आम पानी ना समझना, इसको नबी पाक के सीने के साथ भी ताल्लुक हो गया, नबी पाक के कल्ब के साथ भी ताल्लुक हो गया। और मैं इसीलिए क्या कहूं, नबी पाक ने जमजम पीने के जो फजाइल बयान फरमाए हैं वो उसकी हकीकत में सुन्नियों को हजरत इस्माइल अलैहि सलाम का फजल भी नजर आता है और निस्बत मुस्तफा का सुरूर भी महसूस करते हैं। ये वजह है। अब मैं चूंकि मौजू से नहीं हटना चाहता, अलम नशरह लक सदर, क्या हमने आपका सीना आपके लिए कुशादा नहीं किया? अब देखो हकीकी तौर पर सीने को खोला गया, खोल के बंद किया गया, और आपने देखा ना वहां कोई निशान है, ना दर्द है, ना खून बहा, ये एक अलग बात है। अब चलो आगे, इन शराह सदर सीने का खोलना ये जरूरी क्यों है? याद रखो सीना उलमा का भी खोला जाता है, सुन दे कि नहीं, सीना अहदुल्ला का खोला जाता है। क्या समझते जब एक हाफिज कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू करता है सूरह फातिहा के बाद और वन नास पे जाके रुक जाता है, सीना खुला हुआ ना हो तो इतना कुरान सीने में आता है? बोलो ना, एक हाफिज का सीना भी खोला जाता है, एक आलिम जो आपको न जाने कैसे कैसे रवायात आने वाहिद में सुना देता है इसका सीना भी खोला जाता है, एक वली का सीना खोला जाता है, हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक वसअते सदर दी जाती है, जितनी उसकी जरूरत होती है उतना उसका सीना खोला जाता है, दरवेशों को दरवेशी की कैफियत में दिया जाता है, अहले इल्म को उनके इल्मी कैफियत में दिया जाता है, हुफाज और कुर्रा को उनकी हैसियत में दिया जाता है, शरह सदर हर एक को हासिल होता है, उसकी कैफियत मुख्तलिफ होती है, उसके दर्जे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन यह दिया क्यों जाता है? कुरान दूसरी जगह कहता है मन यूरिदिल्लाहु अन यहदियहु, कुरान कह रहा है, सुनने सुन दो के लिए, मन यूरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह जिसको हिदायत देने का इरादा फरमा लेता है, अल्लाह जिसको हिदायत देने का इरादा फरमा लेता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता है। शरह सदर की बात यहां भी आई, मैं युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है और जिसके लिए अल्लाह इरादा फरमा दे कि इसको हिदायत देनी है तो उसको हिदायत कैसे देता है? यशरा खोल देता है सदरहु उसके सीने को लिल इस्लाम इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए सीना खोला जाता है,
इस्लाम के लिए सीना खुलता है तो नतीजा क्या होता है? हिदायत मिल जाती है, हिदायत मिल जाती है। और हिदायत का ताल्लुक बुलुगत के साथ है। हिदायत का ताल्लुक किसके साथ है? बुलुगत। भाई एक छोटा बच्चा जिहड़ा 5 साल का 10 साल का है, वो अगर नमाज ना पढ़ेगा तो कह सकते हैं बेहिदायत आदमी? बोलते नहीं आप? एक छोटा बच्चा झूठ बोलता है, कह सकते हो कि ये गुमराह? नहीं कह सकते। इसलिए कि हिदायत का होना या ना होना ये बुलूगत के बाद साबित होता है। एक गलत में बालों वास्ते करे थे तो नाबालिग भी बैठे हैं ना सारे, आप सब माशाल्लाह पाक साफ हो गए। हम सब जो है वो इंतहाई कमजोर लोग हैं भाई, इंतहाई गुनाहगार लोग। लेकिन हिदायत का ताल्लुक किसके साथ होगा? बुलूगत के साथ। किसके साथ? बुलूगत के साथ। जब तक आदमी बालिग नहीं होता हिदायत का ताल्लुक उसके साथ नहीं है। वो जैसा भी है बस वो ठीक है। वो अगर कुछ हाल में दुनिया से चला जाता है उसने दोजख में नहीं जलना, उसने सीधा जन्नत में जाना। बात समझ आई कि नहीं? तो फिर हिदायत का ताल्लुक बुलूगत के साथ, हिदायत का ताल्लुक बुलूगत के साथ। और अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे, गल सुन दो कि नहीं, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे तो करता क्या है? उसका सीना खोलता है। और जब हजरत उमर ने कुरान खोल के पढ़ा था, वो जो थोड़ी आयात उन्होंने पढ़ी थी, उन्होंने फिर इस्लाम कैसे कबूल किया? अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया था। नबी पाक को कत्ल करने के इरादे से जाने वाले कदमों में अपने आप ने छावर करने आने लगे। क्या वजह है? वजह यह थी कि पहले सीना तंग था, जब रब ने खोला तो हिदायत मिली। तो सीने का खुलना हिदायत के लिए जरूरी है, और हिदायत का ताल्लुक बुलूगत के साथ है। नबी पाक का सीना कब खोला गया? जब आप बालिग नहीं थे। बात समझे कि नहीं? गौर की जरूरत है, गौर की। गौर करोगे कि नहीं? नबी पाक का सीना कब खोला? मैं फिर दूसरी तरफ आने वाला हूं और शहद की मक्खी और आम मक्खी की बात फिर करने वाला हूं। हिदायत का ताल्लुक बुलूगत के साथ है। जब तक बालिग ना होगा इस पर गुमराही का फतवा नहीं सादर किया जा सकता। बुलूगत के साथ हिदायत मिली हुई है। लेकिन नबी पाक का सीना कब खोला गया? जब अभी आप बालिग हुए ही नहीं है, 5-6 साल के हैं और आपका सीना खोल दिया गया। तो जिन्होंने कहा वजदा का दालन फहदा, हमने आपको गुमराह पाया तो आपको हिदायत दी, मैं कहता हूं तेरी अकल पे मातम करना चाहिए। कायनात में लोगों को हिदायत उस वक्त दी जाती है जब वो बालिग होते हैं। रब ने सारी कायनात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उनके बचपने में शरहे सदर की ये फजीलत देकर साबित कर दिया कि कोई मेरे नबी को कभी गुमराह ना समझना, क्योंकि ये मसला बुलूगत के बाद होता है। हम बचपने में ही इनके सर पर हिदायत का ताज रख रहे हैं। पता चला बचपन से जिसकी हिदायत का सम्मान कर दिया गया वो जवानी में गुमराह हो सकता है? हालांकि जवानी से हिदायत का आगाज होता है, लेकिन खुदा ने अपने महबूब को चूंकि हर चीज में मुनफरिद बनाया है, उनके लिए ये इंतजाम भी मुनफरिद किया कि लोग बाद में हिदायत हासिल करेंगे लेकिन वो हिदायत तुझसे हासिल करेगा। ये तो तेरा काम है, तूने इनकी हिदायत करनी है महबूब। लिहाजा जो हिदायत करता है उसका महदी होना जरूरी है। महदी का मतलब हिदायत याफ्ता। जो खुद हिदायत याफ्ता होता है वो दूसरे की हिदायत करता है। जहां पर गुमराही का शायबा भी ना हो उस वक्त खुदा ने अपने महबूब के सर पर हिदायत का ताज रख दिया। और वो कैसे? सीना खोल। मैं यूरिदिल्लाह अन यहदियहु
यशरह सदरहू लिल इस्लाम, अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा कर लेता है, उसको हिदायत देना चाहता है, तो फिर क्या करता है, उसका सीना खोल देता है। क्या करता है? सीना खोल देता है। फरमाया, अब सहाबाए किराम ने हुजूर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये जो सीना खुलता है तो कैसे खुलता है, सीना कैसे खुलता है? हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल नूर फिल क़ल्ब, इज़ा बोलो ना, इज़ा दखल नूर फिल क़ल्ब इंशरा, जब कल्ब के अंदर नूर आ जाता है तो सीना खुल जाता है। जब कल्ब में बोलते नहीं आपको, जब कल्ब में नूर आ जाता है तो सीना खुल जाता है, और जब सीना खुल जाता है तो हिदायत आ जाती है। हिदायत आने के लिए, चूंकि हिदायत आने के लिए कल्ब के अंदर जगह की जरूरत है, और कल्ब के लिए जगह बनाना, ये चाकू छुरी कांटे से जगह नहीं बनती, ये नूर के दाखले के बाद कल्ब में वुसत आती है, जब वुसत आती है तो अंदर हिदायत आ जाती है। गल समझे हो कि नहीं? अगर देश का पहले से ही भरो तो कुछ वो डाल सकते हो? नहीं। और अगर तुम्हें बक्से के अंदर कुछ डालना है तो उसका खोलना जरूरी है। अगर किसी बर्तन में कोई डालना है तो उसको, उसका ढक्कन खोलना जरूरी है। और फरमाया कि सीने, और ये भी पता चल गया कि इस्लाम की जगह सीना है। इस्लाम की जगह क्या है? हिदायत का मरकज क्या है? सीना। क्यों? कि सीने में दिल है। सीने में क्या है? दिल है। सीने में दिल है, और दिल को हिदायत की जरूरत है, और इसको खोलने बगैर ये अंदर हिदायत जा नहीं सकती। और इसको खोलना कैसे है? कहा, ना ये छुरी कांटे से खुले, ना ये ऑपरेशन से खुले, ना ये काटने से खुले, ना डॉक्टर खोले। ये खुलता एक खास नूर से है, एक नूर आता है जो इसमें दाखिल होता है। जैसे नूर अंदर जाता है ये सीना खुल जाता है, जैसे सीना खुल जाता है अंदर हिदायत चली जाती है। अंदर क्या जाता है? इससे पता चला हिदायत मशरूत है सीने के खुलने के साथ। हिदायत मशरूत है सीने के खुलने के साथ, और सीने का खुलना मशरूत है नूर के दुखूर के साथ। हिदायत मिलती है खुले हुए सीने में, और सीना खुलता है नूर के साथ। और अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ए महबूब तुम ही सिरात मुस्तकीम की हिदायत देने वाले हो। इससे पता चला हिदायत का मरकज, हिदायत का मरकज। और नबी बताओ नूर है कि नहीं? बोलते नहीं आप लोग? नबी नूर है कि नहीं? हम सुन्नी हैं, हम नबी को नूर मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं। और ये सीना खुलेगा हिदायत के लिए, और हिदायत के लिए सीने के खुलने के वास्ते नूर की जरूरत है, क्योंकि नबी ने फरमाया जब नूर सीने में आता है तो फिर सीना खुल जाता है। ये है खुलने, सीने के खुलने की अलामत। तो मैं यही कहता हूं कि आज अगर इस्लाम का डंका हर सू बज रहा है, तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, सरकार में अगर इस्लाम का खोल घोरा है तो वजह क्या है? वजह शरह सदर है। हर एक का सीना खुल गया है। ये सीना कैसे खुला है? ये उनका सीना खुला है जिन्होंने मोहम्मद को नूर माना है, क्योंकि सीना नूर से खुलता है, और वो नूर सूरज का नूर नहीं है, न चांद का नूर है, ये आमिना के लाल का नूर है जो सीने में आता है और हिदायत तकसीम कर देता है। माशाल्लाह।
तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिदायत देने के लिए आए हैं, तो क्या अजीब बात है, आप हिदायत देने के लिए आए, तो इसलिए खुदा ने आपको नूर बनाया। नूर क्यों बनाया? कि नूर से ही सीना खुलता है, और नूर होगा तो सीना खुलेगा। इसलिए कायनात में वो जो वैसे ही अपने आप को कामयाब और हिदायत की राह पर गामजन समझते हैं वो निरे धोखे में है, इसलिए कि कामयाब वो है जिसका ताल्लुक नूर वाले के साथ है। बशर तो तुम हो ना, तुम बशर हो, बशर की हिदायत के लिए नूर व बशर आया है, बशर की हिदायत के लिए नूर व बशर आया। वो बशर की हालत में रहकर तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें अपने करीब करता है, और नूर की हालत में आके तुम्हारे दिल के अंधेरे दूर करता है। इसलिए उनको बशर भी मानो, उनको नूर भी मानो। अब देखो अल्लाह ताला ने एक जगह और फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने इरशाद फरमाया जाओ फिरौन के पास, उसको हक की बात बताओ। तो याद रखो हर मौके के लिए मुख्तलिफ शरह सदर होता है, और नबी पाक की ये रिवायात में कि तीन या चार मरतबा, दोनों रिवायतें, तीन या चार मरतबा हुजूर का सीना खोला गया, बचपन में, जवानी में, फिर मेराज के वक्त। तो जिस तरह का आगे मरहला हो ना, उस तरह का इन शराए सदर होता है। तो मेरे आपके लिए तो वो बचपन वाला ही काफी था, समझे कह रहे, तो तुसा सारे की जवानियां नबी पाक के बचपन का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे और आपके लिए तो वो बचपन की जो नबी पाक की कैफियत थी इन शराए सदर की, वही काफी थी। लेकिन उनकी अगली मंजिल पर जाने के लिए, मुख्तलिफ मकामात के लिए, एक दफा तो इन शराए सदर उस वक्त हुआ ना जब लोगों को कुछ बताना था, और लोगों की हिदायत के लिए खुद सर से कदम तक हिदायत का नमूना बनना था, उस वक्त आपको सरापा हिदायत बनाया। फिर जब कुरान लेने की बारी आई, जब कुरान लेने की बारी आई, तो मैंने ये, आप ही जानते हैं, कुरान कहीं समा नहीं सकता ना कायनात में, बोलो ना, मुझे आप बताओ, चलो मैं आज आप तुसी सारे मुफ्ती समझो, आज तुसी मुफ्ती हो सारे, ये बताओ कि ये सारी कायनात, सात आसमान, सात जमीनें, सात समंदर, इसकी दमाबेन जो खिला फिजा है, इस सारे के अंदर क्या अल्लाह की कोई शान सिफत समा सकती है? बोलते नहीं ना, अल्लाह की सिफत समा सकती है? तो कुरान अल्लाह का कलाम है ना, और उसकी सिफत है, तो क्या कुरान इस सारे जहान में समा सकता है? पिछले अनु को शक है, बोलो ना, इसके कुरान अगर अल्लाह वहां से उतारता है, तो ये अल्लाह ने पहाड़ों का जिक्र फरमाया, अल्लाह अनजलना आज़ल कुरान, पहाड़ों का जिक्र फरमाया, लेकिन पहाड़ के अलावा समंदर इसको संभाल सकते, आसमान संभाल सकते, जमीन सारी संभाल सकती, सितारे सैयारे ये संभाल सकते, कोई नहीं संभाल सकता ना। तो अब इसको कहां रखना है? कल्ब मुस्तफा रखना किधर है? देखो इतना बड़े जान में तो नहीं आ सकता, तो इतने से दिल में रखना है, इसलिए उसको खोला। क्या किया? उसको खोला, और कितना खोला मैं बताता हूं, जितनी कायनात के अंदर वुसअत है उससे बढ़कर वुसअत कल्ब मुस्तफा में, क्योंकि उतनी वुसअत हो तो कुरान कायनात में सुना जाए, लेकिन उससे ज्यादा वसी जिस कदर वुसअत में कुरान समा सकता था, उतनी वुसअत खुदा ने कल्ब को अता फरमाई। ए हबीब, हम कुरान नुज़िला अला मुहम्मदिन, ये तुझ पर नाजिल हुआ है, कायनात में कोई कुरान को अपने अंदर महफूज नहीं कर सकता। क्यों? वुसअत ज्यादा चाहिए, सात जमीनों में, सात आसमानों में, सातों समंदरों में कहीं इतनी गुंजाइश नहीं जितनी कब्र मुस्तफा में, ही इतनी गुंजाइश है जितनी कल्ब मुस्तफा में। क्यों? कि अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल करना था, इसलिए उससे पहले हुजूर का फिर सीना चाक किया गया।
जवानी के उस आलम में 40 साल उम्र में, और फिर वो चाक करके फिर कुरान के नुजूल के लिए उसको तैयार किया, और ऐसा तैयार किया कि अलहम से व नास तक हर चीज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जबान पर अजबर हो गई, आपके कल्ब या थर में महफूज हो गई। मालूम हुआ कि लोगों के लिए और अपनी जात के लिए एक दफा सीना खोला था जब छोटे थे, फिर अल्लाह की एक सिफत लेने के लिए। थोड़े कम जरूर है पर ऐसे ही लगे ना, सुन दे जी नहीं। एक दफा तुम्हारे लिए, मेरे लिए और अपनी बचपने की बहारों के लिए सीना खोला गया। एक वक्त वो था जब अल्लाह की एक सिफत लेनी थी जो कायनात में समा नहीं सकती थी, तो किसी खुली जगह की जरूरत थी। अल्लाह ने कहा हम तेरा सलम नशराह लका सदर, हम आपका सीना खोलेंगे, इतना खोलेंगे कि अलहम से वन्नास तक की सारी बहारें अंदर आ जाए, सब अंदर आ गई। ये अल्लाह की शान है ना, तो सारा कुरान आ गया, सारा कुरान अंदर आ गया। अब ये शान है, फिर एक वक्त आया जब अल्लाह की सिफत नहीं अल्लाह की जात तक जाना था। समझे नहीं आ रहा, पहले शान था, शान थी ना, अल्लाह की एक सिफत तक पहुंचना था तो सीना खोला गया। अब सिफत से बढ़ गई बात जात तक, अब अल्लाह की जात तक जाना है। कहा मोहम्मद फिर लेट लेंगे, अब फिर लेटे हैं, फिर लेट के फिर सीना चार किया गया, वो शर्ह सदर हुआ। और कितनी वुसत, यानी वुसत पहले कितनी वुसत के हिदायत आपके अंदर समा गई, फिर कितनी वुसत के कुरान अंदर समा गया, फिर कितनी वुसत दी कि वो मूसा फखर मूसा सायका के काकर रब्बी अरिनी, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, मुझे अपना आप दिखाइए, मुझे अपना आप दिखाई। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते, आपके अंदर ये जोहर नहीं है कि आप मुझे देख सकें, लेकिन चलो तुमने दुआ की है कबूल करता हूं, थोड़ा सा कुछ मुजाहरा हो जाए। आपको मालूम है क्या हुआ, वो नहीं देख सके। अब अल्लाह अपने महबूब को दिखा रहा है बगैर मुतालबे के। पहले कहा मेरी शान देखो, कुरान है ना, कुरान भी मैं दूंगा तब तुम्हें दूंगा, और तुम्हारे अंदर रखूंगा, कायनात को बताऊंगा जितनी गुंजाइश मेरे महबूब के सीने में है कहीं नहीं है, कुरान वहां रख रहा हूं। पर आओ अब एक और गुंजाइश देखो, सारी कायनात मिलकर मुझे नहीं देख सकती, ना मुझ तक आ सकती है, ना वो जमहरीर से आगे गुजर सकती है, ना वो कुर्रे नार से गुजर सकती है, और ना वो कुर्रे बुरुदत से गुजर सकती है। आसमानों से बशर नहीं गुजर सकता, सिदरा पे बशर नहीं जा सकता, लामकाम में बशर नहीं जा सकता, लेकिन अगर गया है तो शरह सदर की वजह से गया है। कहा मोहम्मद पहले शान की बात थी तब भी शरह सदर दिया है, अब जात की बात है तब भी शरह सदर देते हैं। अरे सारे शर्क और गर्ब में फैले हुए बदबख्तों और बदतमीजों और बेअदबों, मैं कहता हूं नबी से हम सरी, अरे शान तक पहुंच रहा हो तब भी शरह सदर मोहम्मद को दिया जाता है, और जब जात तक पहुंच रहा हो तब भी शान मोहम्मद को दी जाती है। तुम सारी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जिसने रब को देखा हो, ये सिर्फ आमिना के लाल का कमाल है। आप मुझे बताओ अलम नशरह लका सदरक का कुछ समझ आई थी कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब को हमने आपका सीना खोला नहीं, और सीने के खुलने का कैसे पता चले? जब देखा अपने आप को सर से पांव तक हिदायत है, तो कहा क्यों नहीं खोला है सीना? फिर जब कुरान देखा सारा अंदर है, क्यों नहीं खुला हुआ है सीना? फिर जब रब को देखा है तो क्यों नहीं सीना खुला हुआ है? रब को देखने के लिए भी वुसत कल्बी चाहिए, रब का कुरान लेने के लिए भी वुसत कल्बी चाहिए, लोगों के लिए हिदायत का पैगंबर बनने के लिए भी वुसत कल्बी चाहिए, और हर एतबार से मुस्तफा को खुदा ने वुसत कल्बी अता फरमाया।
इसको कहते हैं इंशराह सदर। क्या कहते हैं इसको? अब आपको पता चला कि अल्लाह ने अपने महबूब को कैसे खुला हुआ सीना अता फरमाया। और ये सिर्फ सीने की बात नहीं, मुस्तफा जैसी आम किसी की नहीं, मुस्तफा जैसे कान किसी के नहीं, मुस्तफा जैसी जबान किसी के नहीं, मुस्तफा जैसे दस्त व कदम किसी के नहीं, मुस्तफा जैसा दिल किसी का नहीं, मुस्तफा जैसी शरीयत किसी के नहीं, मुस्तफा जैसी जात किसी के नहीं, मुस्तफा जैसी सिफात किसी के नहीं, मुस्तफा जैसी नबूवत किसी की नहीं, मुस्तफा जैसी रिसालत किसी के नहीं, मुस्तफा जैसी आल किसी की नहीं, मुस्तफा जैसे असहाब किसी के नहीं, मुस्तफा जैसा कलाम किसी का नहीं, और मुस्तफा जैसी उम्मत किसी की नहीं, और मकाम महमूद जैसा किसी का मकाम भी नहीं। पता चला आलम दुनिया में भी वही एक मोहम्मद है, और आलम मैशर में भी सदारत की कुर्सी पे मोहम्मद ही नजर आएगा। फिर हम शरीफ दादा क्या, और हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा था वयदी को सदरी वला यम तले को लेसानी। या अल्लाह तुझे मैंने फिरौन को भेज रहे हो, तो वो था जाबिर, जो नहीं मानता नहीं था उसको उल्टा लटका देता था। तो बशरी तकाजे होते का इसके बाद भेज रहे, मैं सीने में तंगी महसूस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? वला यम तले को लेसानी, और फिर उसके सामने बोलना भी है, तो मैं कलाम में भी कुछ लुकनत महसूस कर रहा हूं, और लुकनत थी भी आपकी जबान में, हज़रत मूसा अलैहि सलाम की ज़बान। तो फिर क्या कहा, क्या कहा तुम? रब इशरह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे। क्या कहा उन्होंने? देखो सीने पर ही बात हो रही है सर, सीने पर बात हो रही है, सब से सुनो, जो सुनते कोई नहीं, मैं सीने की गल कर रहा हूं, ठीक है? तो आपने भी जना कान सी लिए, सुनते नहीं आप, बात समझ आई कि नहीं? सुनने वाले कान नजर आ जाते थे, वैसे लगे हो नालो भी नजर आ गए। देखो हजरत मूसा ने क्या कहा, रब इशराह ली, ए अल्लाह मेरे वास्ते खोल दे, रब इशराह ली मेरे लिए खोल दे, सदरी मेरा सीना, मेरे लिए खोल दे मेरा सीना। अल्लाह फरमाता है तेरे लिए खोल दिया तेरा सीना मोहम्मद को। देखो अल्फाज पर गौर करो, मूसा अलैहि सलाम जाहिरी तौर पर पहले आए हैं ना, उनका मुतालबा क्या है? मुतालबे के अल्फाज देखो, रब इशराह ली सदरी, सदरी का मतलब मेरा सीना, और ली का मतलब मेरे लिए। और अल्लाह अपने इसके जवाब में अपने महबूब के लिए दूसरी जगह किस तरह फरमाता है, अलम नशराह लका सदरक। गौर करो, मूसा कहते हैं ए अल्लाह मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, और अल्लाह अपने महबूब कहता है तेरे लिए तेरा सीना खोल नहीं दिया? क्या हमने खोल नहीं दिया? तो मैं तुम्हें यही तो दावा देता हूं, जब मूसा अलैहि सलाम मूसा होकर इस दर्जे पर नहीं आ सके, तुम उम्मती होकर नबी से मुकाबला करते हो। और मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने फिर शरह सदर अता फरमाया, और देखो जब शरह सदर अता फरमाया ना, अल्लाह ने उनका सीना कुशादा किया, अल्लाह ने उनका सीना कुशादा किया, जैसे सीना कुशादा हो फिरौन के सामने खड़े रहे और कहा तुम झूठा है। वो कहता था आना रब कुमला, क्या कहा उसने? फिरौन क्या कहता था? आना बोलते नहीं है, फिरौन की बात नकल की है कुरान में, आना रब कुमला आला, क्या कहता था वो? मैं तुम्हारा रब हूं आला। तो हजरत मूसा ने कहा नहीं, सुभान रब्बी अला, तू अपने आप को आला कह, आला वही है जो सुभान है, वही आला है, तू आला नहीं हो सकता। ये शरह सदर से पहले जाना मुश्किल था, शरह सदर के बाद कोई साथ नहीं, कोई फौज साथ नहीं, कोई जत्था साथ नहीं, अकेले हैं, भाई साथ हैं वो भी कमजोर, और जाके कहते हैं कि तुम गलत हो। ये बादशाह है वक्त के सामने ऐसे कहने के लिए भी शरह सदर की जरूरत होती है। इसलिए याद रखो, आलिम भी वही है कि जो हक बात करते वक्त सामने वाले से घबराए ना। इसकी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, अब देखो
इसी तरह नबी पाक ने जब ऐलान फरमाया, नबी पाक ने जब ऐलान फरमाया, आपने भी क्या कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। किससे कहा? अपने चचों से कहा। तुम अपने चाचे ने गल करके तो देखो ना, तो रास्ता नहीं लगन लगा। याद रखो ये जो शरीक होते हैं ना, खास तौर पर जो दादे दाद पोतरे ये कहते हो ना, और आपके जो चाचे और ताए होते, इनके सामने हक बात करना ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर सकते, डरता है। लेकिन जब अल्लाह के नबी को शर्ह सदर हो जाता है, वो किसी से नहीं डरता। हजरत अबू तालिब ने गुजारिश की, हुजूर छोटो ना करो, ये थोड़े जान के दुश्मन बन गए। तो आपने शर्ह सदर छाने कहा, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे पे चांद रख दे तब भी हक बात कहना है। इसको शर्ह सदर कहते हैं, बात समझेंगे नहीं, इसको शर्ह सदर कहते हैं। लेकिन कमाल ये है कि सारी कायनात को शरह सदर मांगने से मिलता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने शरह सदर मांगा, लेकिन खुदा ताला ने अपने महबूब को मांगने से पहले ही अता फरमा दिया, और यह साबित कर दिया कि सारी कायनात तालिब है और मेरा महबूब मतलूब है, सारी कायनात मुहिब है, मेरा महबूब मेरा महबूब है। और ये सारे नबियों का इमाम है। अल्लाह ने अपनी चाहत से आपको हर चीज अता फरमाई। मेरे दोस्तों, आप सब जो नरी शरीफ के जो जितने भी मुतवसलीन मुहिबीन हैं, गो कि इन्होंने गुलामान नरी शरीफ लिखा, लेकिन हम इन्हें अपना दोस्त और भाई कहते हैं। ये जितने भी हैं और उलमाए किराम, जितने नूरानी चेहरे यहाँ बैठे दोनों जाने, और आप सब जो यहाँ आज आए हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। किस बात की? कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह के घर में ये रौनक पैदा की है। वो रौनक लेकर आए ईमान की, वो रौनक लेकर आए रूहानियत की, वो रौनक लेकर आए जहान की, और उस रौनक को सारे दुनिया में आम कर गए। फिजाओं में वो रौनक मौजूद है, खलाओं में मौजूद है, सहराओं में मौजूद है, गलियों कूचों में वादियों में मौजूद है। लेकिन इस मौजूद होने के वजूद को साबित करने वाले अहले सुन्नत, समझ आई? ये कौन है? अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत की सबसे ज्यादा निशानी ये है कि जैसे ही वो कैस्टर लगाओगे तो फौरन फड़क जाता है, समझ आई कि नहीं? तो थोड़ी बैटरियां थोड़ी ही कमजोर है, इन्हें भी थोड़े जो चार्जिंग की जरूरत है। अपने आप को बेदार रखा करो, जब जुलूस हो ऐसे चलो कि कायनात देखे कि ये हुजूर के गुलाम कैसे जा रहे हैं। देखो, जब मुखालिफ को कोई बात करनी हो ना, मुखालिफ के सामने मुझे बताओ, तवाफ के जो पहले तीन चक्कर हैं उसमें क्या हुक्म है, क्या कहते हैं उसमें? वो कोई तो दसो ना के होगा, अकड़ के क्या करना है? रम क्या है? रम वो कैसे होता है? ऐसे चलो, खूब झूम झूम के चलो, अकड़ अकड़ के चलो। हालांकि हम तो किसान दिखाना नहीं है, लेकिन सुन्नत अब भी कायम है। हुजूर ने एक दफा इरशाद फरमाया, वो क़यामत तक के लिए शरीयत का हिस्सा बन गया। तो जरूरत के मुताबिक अमल होता है। मैं भी तुम्हें कहता हूं, जरूरत के मुताबिक अमल होता है। तुम मिलाद आ गए तो मिलाद का जुलूस करो, तो फिर रमल करया करो। ये मैं पहली बार ये बात कर रहा हूं सुन्नी खादिमों में से, ये बात मैं कर रहा हूं कि जब मिलाद का जुलूस पे एहतमाम करो तो रमल करते हुए जाओ, और मुखालिफ के सीने पर मोहब्बत मुस्तफा की ऐसी चोट लगाओ कि वो देख के खुद मान जाए कि आशिकाने मुस्तफा ये कमजोर नहीं, बड़ी जरूरत से चल रहे हैं। रमल करो, जुलूस में रमल करो, इसलिए कि यहां दिखाना मकसूद है। रमल आज भी काबे में कायम है, जबकि अब काफिरों को दिखाना मकसूद नहीं। मुसलमान कमजोर थे ना, मुसलमान इतने कमजोर थे कि खाने पीने के लिए चीजें नहीं थी, तो वो रम जब तवाफ करते थे तो वो झुक जाते थे, उनसे उनसे चलना मुश्किल था। तो नबी पाक ने फरमाया, ना तुम जैसे भी हो, गैरों को ये दिखाओ कि तुम बहुत ताकतवर पहलवान,
पहलवान हो, रेसलर हो, और ऐसे अकड़ अकड़ के चलो, तो सहाबा किराम फौरन अपनी वो भूख प्यास बुला के अकड़ अकड़ के चलना शुरू हो गए। काफर भी देखे अचानक ये जवान कैसे हो गए, ये सारे जवान हो गए, तुम भी सुनियो काफी कमजोर हो चुके हो, तुम्हारा जो मोहब्बत वाला पेट है काफी खाली हो गया है, अब जब कभी जुलूस में निकलो तो जरा अकड़ के चलो कि सारी कायनात देखे गुलाम मोहम्मद किसे कहते हैं। अकड़ के चलो, इसलिए अकड़ के चलो, हमेशा अकड़ के वो चलता है जो हक पर होता है, और झुका हुआ वो होता है, भागा हुआ वो होता है जिसने कोई बुरा काम किया होता है। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का जुलूस निकालो तो कभी कमजोर चेहरे से बाहर ना आना, लिबास सुथरा, सर पे टोपी सुथरी, दिल में मोहब्बत की चमक, चेहरे पे उनकी मोहब्बत की रमक, और हाथों में अकीदत के झंडे, और कदमों में पहलवानों की सी रफ्तार, और मुंडे हिला हिला के ऐसे चलो कि कायनात ये देखे कि ये कमजोर नहीं है, और मुस्तफा देखे कि मेरे दीवाने मेरी आमद की खुशी में जश्न मना रहे हैं। ठीक है, आज के बाद याद रखना जश्न मिलाद मुस्तफा व जुलूस, उसमें क्या करना है, रमल करना, क्या करना है, रमल। रमल ऐसा ना करे कि एक दूसरे को ठुड्डे मारना शुरू कर दे, रमल में भी तरीका होता है, अपने साथी का लिहाज रखना होता है। ठीक, बहरहाल मेरे दोस्तों जो फरमा रहे हैं कि मिलाद शरीफ का जुलूस का इजरा करना आसान है, लेकिन उसकी रियायत का लिहाज रखना ये आपके जिम्मे है। ऐसा खूबसूरत, आप याद करो वो जो हमने प्रोटेस्ट किया था हजरत साहब किबल आलम के जेरे साया लंदन में, वो जो यूट्यूब पर जो कुछ बकवासात उन्होंने शाया किए थे उसके खिलाफ, तो वहां पर हजरत साहब किबला ने एक बात फरमाई थी कि जब जाओ यहां से तो जमीन पर कोई कागज का टुकड़ा ना हो, कोई आप जो ये ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो कोई कैन, एम्प्टी कैन जो है जमीन पर ना हो, कोई आपका गंदगी कोई चीज आपकी जो आपने रबिश के तौर पर जमीन पर फेंक दी हो वो उठा लो, ताकि देखने वाले ये कहें कि यही मोहब्बत करने वाले तो असल सफाई वाले हैं। इसलिए चाहे जुलूस हो या जलसा हो उसकी रियायत करो, किसी को तकलीफ ना दो, अदब एहतराम और दुरूद ही पढ़ते चलो, अकड़ के चलो, मोहब्बत से चलो, जौक से चलो, और जब कभी जलसा हो चाहे कोई भी यहां नात पढ़ रहा हो तब भी खूब जोश और खरोश का इजहार करो, कोई तलावत करे खूब जोश और खरोश का इजहार करो, कोई तकरीर करे खूब जोश और खरोश का इजहार करो, क्यों कि इससे तबीयत के अंदर बहार कायम रहती है और महफिल पर एक जवानी का रंग होता है। बहरहाल मैंने कोशिश की कि आपको यह समझाऊं कि नबी पाक का सीना खुदा ने खोला तो कैसे खोला, खोला तो कैसे खोला, और इतना खोला कि हर चीज उसके अंदर आ गई, और दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको उस सीने की खैरात अता फरमाए। दुआ करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कलमे शरीफ का जिक्र फिर दुआ करें, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपने, कोई आदमी खामोश ना रहना। ला इल्ला अल्लाह
यही जिक्र दूसरी तरफ पर सब मेरे साथ मिलकर एक दफा सुन लो, उसके बाद आवाज से आवाज मिलाकर मेरे साथ पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह जरूर बैठो, आपके लिए जरूरी है। अल्लाह आप सबको
अहले तसव्वुफ, अहले दिल और अहले इंशराह सीना, उनके साथ ताल्लुक नसीब कर रहा है। माशाल्लाह, ये पता चला है कि यहाँ उम्र शरीफ के कोई कुरान दर्जी होने वाले हैं। एक खुश नसीब है आपको, माशाल्लाह। ये दो किस्म के स्पीकर हैं, एक जो है जो हमारी सिस्टर्स आई हुई हैं, माए बहने बच्चियां, उन उनके लिए, और एक जो है थोड़ा रन लड़ा है, थोड़ा मठा जाए। इन्होंने भी इंशाल्लाह जिस नौजवान बुजुर्ग लोग अल्लाह की मर्जी हुई इंशाल्लाह वो उम्र वास्ते जाएंगे, तो ये इंशाल्लाह अभी हम ये बताते हैं। पहले खवातीन है, ये नंबर है, मैंने तो एक पर्ची अल्लाह के इज़्ज़त और उसके हुक्म से उठाता हूँ, जिसके नसीब में हो तो वो इंशाल्लाह जाएगी। माशाल्लाह, ये नंबर है 65, खवातीन में से, माओं बहनों बच्चियों में से नंबर है 65। सदफ मलक माशाल्लाह, कोई हमारी बहन है सदफ मलक, उनको ये सवाब नसीब, अल्लाह नसीब करे। ये टोकरी देख के जैसे किसी एक आदमी का नाम निकले, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को एक दुआ का मौका दिया गया जो हर हाल में कबूल होनी है, और उस हर नबी ने अपनी वो दुआ कर ली है, और मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए बचा रखी है। तो मैं समझता हूँ कि नबी पाक की बारगाह में ऐसे कोई पूरा अंदाजी नहीं, पूरा टोकरा जाएगा और इंशाल्लाह सारे ही तर जाएगा। मैं अपना ईमान ये कहता हूँ, क्यों कि आपको पता है, मैंने बताया कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरा जब तक आखिरी उम्मत जन्नत में चला नहीं जाता मैं राजी होने वाला नहीं, मैं राजी होने वाला। तो ये शाम प्यारे मुस्तफा के बारे में, ये मर्द हजरात में से अल्लाह कबूल करे, नंबर 30 के साथ रहो। माशाल्लाह, बड़ी बात है, ऐसे तो थाना ना बोल रहे अल्लाह खुश रखे, बड़ी अमीन। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाब अन्नार। माशाल्लाह, जो आज के प्रोग्राम के लिए दुरूशी पढ़ा गया है 1.5 मिलियन दुरूशी जो पढ़ा गया, माशाल्लाह ये 15 लाख मरतबा दुरूशी पढ़ा गया। 2 कुरान शरीफ हैं और सूरह यासीन, और इसके अलावा दुआ की खास अपील आई हाजी आसफ साहब और उनकी फैमिली और उनके जो वालिद साहब हैं उनके साले सवाब के लिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अच्छा माशाल्लाह। और ये जो टिकट है हाजी आसफ साहब की फैमिली की तरफ से, जो उम्रे पर आप जा रहे हैं अल्लाह ये भी कबूल फरमाए, और पूरे जो मुआविनीन हैं दरबार में नए शरीफ के, हमारे हाजी सलामत साहब हैं, इनके औलाद और दीगर जितने भी हमारे रिजवान साहब हैं, तारक साहब दीगर जितने ने भी इंतजाम किया इस मस्जिद के, मुंतजमीन यहाँ के अल्लामा साहब और खतीब जो हैं खतीब आज़म इस मस्जिद के, और तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी। और ये भी याद रखें कि जो जिक्र की महफल अभी यहाँ सजी, कितनी खूबसूरत महफल, ये आपके इस इलाके में और भी जगह होती होगी वहाँ पर भी जाएं, लेकिन खासतौर पर ये इतवार को, हर इतवार को, ये नंबर 54 लेजी स्ट्रीट पॉलिक शील्ड में ये प्रोग्राम खादिमीन एरिया शरीफ करते हैं, उसमें भी जरूर तशरीफ लाए। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा, आमीन।
तेरे नबी की अजमत के लिए जमा हुए, या अल्लाह उनके सदके हमें भी अजमत अता फरमा, उनकी मोहब्बत में आए हैं, उनकी मोहब्बत के सदके महबूब दिल अता फरमा, महबूब फिक्र अता फरमा, महबूब अमल अता फरमा, महबूब किरदार अता फरमा, हमें महबूब की निस्बत के सदके हर चीज महबूब अता फरमा और मरबूब अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी रजा अता फरमा, अपने महबूब की रजा अता फरमा, जितने मर्द और औरतें यहां मौजूद हैं सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, जो परेशान है परेशानियां दूर फरमा, जो मुसीबतों में उलझे हुए मुसीबतें दूर फरमा, जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, जो दुनिया से भारत ईमान के सारी महफिल में जितने लोग बैठे हैं इनके अकारिब इज्जत वाले दें दोस्त अहबाब पड़ोसी जानने वाले जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, ऐ अल्लाह जिनके इशारे सवाब के ईमान की तू गवाही देने वाला, ऐ रब्बे कायनात उन सबको इसका सवाब अता फरमा। रब्बुल आलमीन जितने लोग आए हैं सबके सीने रोशन फरमा, सबके दिल मुनव्वर फरमा, सबके पिछले गुनाह माफ फरमा। यहाँ जो माए बहने आई हैं खवातीन और हजरात आए हैं, या अल्लाह हम सबके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा, सगीरा कबीरा जाहिर पोशीदा हर गुनाह माफ फरमा, जबान के गुनाह दिल के गुनाह कान के गुनाह आंख के गुनाह कल्ब के गुनाह कालब के गुनाह जाहिर के गुनाह बातिन के गुनाह सफर के गुनाह क़याम के गुनाह और दिल के गुनाह रात के गुनाह महफिल के गुनाह तन्हाई के गुनाह, ऐ अल्लाह जितने हमसे सरज़द हुए नबी पाक की जश्न मिलादत का सदरा हमारे तमाम गुनाह माफ फरमा और आने वाली जिंदगी में हुस्न अमल अता फरमा। उसने सूरत दी है या अल्लाह, उसने सीरत दी अता फरमा, हमें नफ्स मुतमईना अता फरमा। रब्बुल आलमीन सबके दिले दिलों के हाल जानने वाला, तू सबकी आरजुएं जानने वाला, आज के दिन के सदके सबकी आरजुएं पूरी फरमा, सबकी दुआएं कबूल फरमा। हाजी आसिफ साहब और इनकी पूरी फैमिली और हमारे दीगर अहबाब जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह उनकी तमाम दुआएं कबूल फरमा। या माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं उनके घरों में खुशियों का दौर दौरा फरमा, जो परेशान हैं जो परेशानियों का जिक्र किया वो माएँ बहनें बेटियाँ जो मुझसे दुआओं के लिए कहती रहीं और मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मजहब और मेरे अकीदे से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जिन्होंने रब्ता किया और मुख्तलिफ परेशानियों का जिक्र किया, या हल मुश्किलात व या दाफ़िअल बलिया व या मुजीबत दावात, ऐ अल्लाह तू सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी आरज़ूएं कबूल फरमा, सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमा। या अल्लाह मरते वक्त कलमा अता फरमा, कब्र में नूर अता फरमा, हशर में अपने महबूब की शफात अता फरमा, उनके लिवाए हम का साया हम सब गुनाहगारों को अता फरमा। और रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद वाल आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीम। मैं काफी देर हो गई है, इमाम है रास्ता छोड़ दिया जी, इमाम साहब हैं ठीक है, सब खुश हो गए? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खाना इकट्ठे खाएंगे आप भाई जी? ठीक है जी।
ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ।